Assalamu alaikum. This is Bake Fresh with Nadia and today we are making granola bars. ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसमें कोई ओवन की ज़रूरत नहीं है और बहुत हेल्दी भी है और ये एक परफेक्ट स्नैक है बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए या अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या इवन एक्सरसाइज के बाद के लिए भी। यहाँ पर हम फ्राइंग पैन यूज़ कर रहे हैं ओट्स और आलमंड्स को रोस्ट करने के लिए, लेकिन आप इसको बेक भी कर सकते हैं। अगर आपको ये ग्रैनोला बार्स थोड़ी और हेल्दी बनानी है तो आप इसमें ब्राउन शुगर स्किप भी कर सकते हैं या थोड़ी कम भी कर सकते हैं। इन ग्रैनोला बार्स में आप कोई और नट्स भी यूज़ कर सकते हैं, यानी हमने यहाँ पे आलमंड्स यूज़ किए हैं, आप यहाँ पे पिस्ता या अखरोट जो भी आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और सर्विंग साइज़ की। इस पूरे बैच में तकरीबन 12 ग्रैनोला बार्स बनती हैं और हर बार में तकरीबन 200 कैलोरीज हैं। अगर आपको च्यूई ग्रैनोला बार्स पसंद हैं तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे सर्व कर सकते हैं और अगर आपको थोड़ी सी हार्ड और क्रिस्प पसंद है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं और इसको स्टोर भी आप फ्रिज में कर सकते हैं अप टू 1 वीक। अगर आपको ये हेल्दी रेसिपीज़ की सीरीज़ पसंद आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें से आपने कौन सी रेसिपी ट्राई की है। एज़ ऑलवेज लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकॉन फॉर द नोटिफिकेशन ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ये है और मैं ऑल हेल्दी रेसिपीज़ इधर लिंक कर रही हूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम।